ACL की ना लगभग सर्जरी है क्या, डेवलपमेंट कैसे हुआ वो बात कर लेते हैं कि धीरे धीरे ACL हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ ना हमारे। मुझे पहले बैलगाड़ी थी, गाड़ी आ गई, फिर फास्ट कार्स आ गई, अब हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है। मोबाइल पहले बटन वाले थे, अब टच पैड आ गए। उसी तरह से हमारे ACL सर्जरी में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। जो सबसे पहले जो ACL सर्जरी होती थी वो ये होती थी कि आपके दो हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाले हमने, एक निकाला, ये दो निकाला, दो हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाले, दो हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने के बाद दोनों को डबल किया और उसको चार गुना कर दिया, तो मुझे फोर फोल्ड का ACL मिल गया। इसको मैंने ऊपर बटन से लगाया, बटन और ग्राफ्ट के बीच में फाइबर है और नीचे ही बहुत सारे फाइबर हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस सर्जरी के अंदर जो हमेशा होती रहती है बायोस्क्रू सर्जरी, उसमें बटन भी यूज़ होता है मेटल का, उसमें फाइबर भी यूज़ होता है, उसमें बायोस्क्रू भी यूज़ होता है। तो चार स्टैंड का ये ACL ग्राफ्ट बन गया। इसके बाद सर्जन ने आर्थ्रोस्कोपी चालू की और उसने आपका जो पुराना ACL है जिसके अंदर नर्व एंडिंग से ब्लड वेसल वो निकाल दिया। अब ये बड़ा काम का है ना, पुराना ACL निकालना नहीं चाहिए। ऊपर एक बड़ा छेद किया रिमर से, नीचे बड़ा छेद किया, तो रिमर दोनों तरह के आते हैं, चाहे फ्लेक्सिबल रिमर हो चाहे रिजिड रिमर हो, दोनों के अंदर छेद बड़े होंगे। और उसके बाद हमने आपका ACL डाल दिया, तो ऊपर बटन लग गया और नीचे स्क्रू लग गया बायो स्क्रू, और जो बाकी बचा हुआ लिगामेंट था उसको स्टेपलर से या फिर काट के निकाल दिया गया। इसके बाद नी की बेंडिंग नहीं करी गई, इसके बाद घुटने को जाम कर दिया गया 1.5 महीने तक। क्यों? क्योंकि नी बेंडिंग करोगे तो ढीला पड़ जाएगा लिगामेंट। तो कन्वेंशनल सर्जरी में बटन यूज़ हुआ, फाइबर यूज़ हुआ और बायोस्क्रू यूज़ हुआ। इसके अंदर तकलीफें क्या की थी, तकलीफें ये थी कि इस लिगामेंट को चिपकने में लगते हैं 45 दिन। सो 45 डेज चिपकने में लगेंगे, तो 45 डेज तक आगे ब्रेस लग गया, उसके बाद धीरे धीरे ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी, फिर ये स्ट्रांग होगा, तो इसको 6 महीने लग जाएंगे मजबूत होने में। सो 6 महीने तक कभी भी गिरोगे तो टूट जाएगा, जैसे आपका लिगामेंट डैमेज हो गया। एकदम से नी बैंड नहीं कर सकते क्योंकि 45 डेज चिपकने में लग रहे हैं, तो इसमें 2 महीने में बैंडिंग आती है लगभग, कंप्लीट बैंडिंग। 1.5 महीने तक ब्रेस रहता है, तो 1.5-2 महीने आती थोड़ा परेशान रहता है, बेड पे रहना, ब्रेस से चलना, घूमना फिरना थोड़ा रेस्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे 4 महीने में जॉगिंग चालू होती है, 6 महीने में रनिंग चालू होती है, सब कुछ सही रहा तो 6 महीने में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चालू होती है, तो बैक टू स्पोर्ट्स आने में साल भर लग जाता है। अगर 6 महीने से पहले कोई मेजर ट्रॉमा लग गया या माइनर भी ट्रॉमा लग गया तो भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अब ये सर्जरी ऑब्सोलीट हो गई। अब एडवांसमेंट क्या क्या है? पहला एडवांसमेंट आया, हमने आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से ACL बनाया, जो बटन ऊपर लगना था वो बटन ऊपर लगाया, मैंने स्क्रू की जगह नीचे ही बटन लगा दिया। इसको बोला गया ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन। नीचे बटन लगाने का 2 फायदे हुए। पहला फ़ायदा कि आपका जो हैमस्ट्रिंग टेंडन था वो एक ही लिया गया, पहले में 2 लिए गए थे, 2 को डबल किया था, 4 गुना हुआ था, और बाकी टेंडन बाहर निकला हुआ था इतना, क्योंकि बाहर निकालना टेंडन ज़रूरी, तभी मैं स्क्रू अंदर डाल सकता हूँ। अगर बाहर नहीं निकला हुआ होगा तो मैं अंदर डालूंगा तो और अंदर घुस जाएगा ना ये। इसमें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, अगर टेंडन तो बोन के अंदर ही रखना है, बाहर निकालने क्या फ़ायदा, यूनियन तो बोन और टेंडन के बीच में ही होना है। तो मैं एक ही टेंडन को 4 गुना कर देता हूँ, तो मेरे को 4 स्टैंड ग्राफ्ट मिल गया। मुझे स्क्रू सर्जरी से ज़्यादा मोटा ग्राफ्ट मिला, क्यों? इसमें एक टेंडन पतला था, एक टेंडन मोटा था, तो 2 स्टैंड मोटे, 2 स्टैंड पतले, इससे मोटे के 4 स्टैंड बन गए, तो 4 स्टैंड मोटे हो गए। एक टेंडन निकला 2 की जगह। दूसरा, हमने जो छेद जो इतना बड़ा किया था, देखा इतना मोटा छेद हो रहा था, अब हम फ्लिप कटर यूज़ करते हैं, तो छेद बड़ा पतला होता है, अंदर जाके खुल जाता है फ्लिप कटर। सो बाहर है ना बोन में छेद, यहाँ पे भी बिल्कुल पतला होता है, यहाँ पे बिल्कुल पतला होता है। सो बोन भी कम काटी, टेंडन भी कम निकाला, और इसमें फिक्सेशन के बाद नी बैंड भी कर सकते हैं। इसमें नी बैंड करोगे क्योंकि स्क्रू का अंदर फिक्सेशन होता है, तो नी बैंड 1.5 महीने के बाद की जाती है। इसमें पहले दिन से कंप्लीट बैंडिंग कर सकते हो क्योंकि बटन तोड़ के अंदर जाएगा नहीं, स्क्रू ढीला हो सकता है। सो बैंडिंग भी पहले आ जाती है, टेंडन भी एक निकला और बोन भी कम कटी, तो पेन बिल्कुल ही नहीं होगा ऑपरेशन के बाद इन सेगमेंट पर। प्रॉब्लम वही थी कि ये भी 6 महीने तक कमज़ोर रहता, जो ये प्रॉब्लम इसमें भी गिरोगे तो ये भी टूटेगा 6 महीने तक। तो बाहर ब्रेस की जगह अंदर ही ब्रेस लग गया, इंटरनल ब्रेस, उसको हमने एंकर के थ्रू बोन। अब इंटरनल ब्रेस अगर मैंने अंदर कर दिया, इसका मतलब बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं पहले दिन से बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, चलना फिरना नॉर्मल, फर्स्ट डे से मैं पहले दिन से पूरा वजन देके चल सकता हूँ, तो मुझे वॉकर की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाहर ब्रेस नहीं चाहिए, मुझे वॉकर नहीं चाहिए, मुझे मेरी नी पहले दिन से पूरी बैंड हो रही है। आज 2023 में मैं क्यों परेशानी झेलूँ जब टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो पुराने ज़माने की बात अलग थी। तो अगर सिर्फ आइसोलेटेड ACL है तो 15 दिन में आप बिल्कुल नॉर्मली चलने लग जाओगे, जैसे आप अभी चल रहे हो। 1 महीने में जॉगिंग आ जाएगी, 3 महीने में रनिंग आ जाएगी। रनिंग 3 महीने में क्यों आई? क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है रनिंग का, अंदर प्रोटेक्शन है ना, तो प्रोटेक्टेड ही लिगामेंट, ये लिगामेंट कमज़ोर है पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दूसरा, मसल्स हमारी कभी वीक ही नहीं पड़ी, पहले दिन से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसमें अगर तुम 6 महीने के दौरान कभी को घिरते भी हो, जब हमारा ओरिजिनल ACL वीक है, तो 2 चीज़ें बचाएगी। पहली चीज़ इंटरनल ब्रेस, दूसरा आपकी मसल्स जो कि एक्टिव है, तो टूटने के चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस हो गए। हमारे खुद के बहुत सारे पेशेंट गिरते हैं, बेटा तू पहली बार नहीं गिरा,
पर आईबी के पेशेंट जब गिरते हैं तो एक इंश्योरेंस होता है कार सीट, कार में एक्सीडेंट हुआ तो सीट बेल्ट एंगेज हुआ तो आपको चोट नहीं लगेगी, बिना सीट बेल्ट चलाओगे तो आपको चोट लगेगी। अमेरिका में और इंडिया में एक्सीडेंट की रेट्स हो सकता बराबर हो, पर वहाँ डेथ की रेट सिग्निफिकेंटली लेस है हमारे यहाँ से। क्यों? वहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस है हर कार के अंदर। यहाँ पर मैक्सिमम इनिशियली जो कार्स में सेफ्टी प्रिकॉशंस अच्छे नहीं थे, एयरबैग नहीं लग रहे, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, जो सीट बेल्ट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, है ना, एंगेज कई बार हो रहा है कई बार नहीं हो रहा, ऐसा एंगेज हो रहा है कि रिप तोड़ रहा है। सो सेफ्टी प्रिकॉशन से ये जो फालतू की जो चीज़ें होती है ना, कल वो गिर गए फिसल गए, वो उससे जो डैमेज है वो सब हट जाएंगे हमारे। सो इसके फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। अब जनरेशन टू का बटन लगा हुआ है, जनरेशन टू का बटन है, जनरेशन टू के बटन में ना बटन और ग्राफ्ट के बीच में टेप है, तो पहले वायर आते थे अब टेप आने लग गए, टेप ना काटता नहीं है ग्राफ्ट को, ये खुला फ्लिप कटर, तो फ्लिप कटर खुलेगा और छेद करके बंद कर देंगे, तो छेद कम हुआ बाहर, पुरानी सर्जरी में बड़ा छेद था इसे बिल्कुल छेद कम हो गया फ्लिप कटर से, सो हड्डी कटी नहीं तो पेन बहुत ही कम होता है इस सर्जरी में, नीचे ही फ्लिप कटर खुल गया। एडजस्टेबल बटन मतलब बटन फ्लिप होने के बाद फिर टाइट करते हैं हम लोग, ये बटन टाइट हो रहे हैं, नीचे देखोगे तो बटन ही नहीं है, नो बटन टाइट हो पाए, क्यों? बटन फंस जाएगा, छेद से छोटा है, तो इसमें बटन बाद में फिट होता है, बटन बाद में लग गया, ये अपना आप टाइट हो गया ऑटोमेटिक। और ये फाइबर टेप है इंटरनल ब्रेस, आई बी को हम लोग एंकर के थ्रू अंदर डालते हैं, एंकर में एक आई होती है, ये आई फाइबर टेप को अंदर ले जाते हैं, ऊपर से बंद जाता है। अब मैंने कहा था स्क्रू डालने के बाद बेंडिंग अलाउड नहीं है, क्यों? ढीले पड़ जाते हैं लिगामेंट, इसमें बटन डालने के बाद बेंडिंग अलाउड है। बेंडिंग से क्या होता है बेटा, स्ट्रेस पड़ता है घुटने पर, हमें लिगामेंट टेक द नी थ्रू रेंज ऑफ मोशन देन परफॉर्म फाइनल टेंशनिंग ऑन द ग्राफ्ट लाइक कंस्ट्रक्ट। बेंडिंग से लिगामेंट लंबे हो जाते हैं क्योंकि एडजस्टेबल डिवाइस से मैं ऊपर भी टाइट कर लेता हूँ, तो ये जो लिगामेंट है ये पूरी तरह से खींच चुका है और खींच नहीं सकता, तो इसके ढीले होने के चांसेस नहीं है ना, स्क्रू सर्जरी में ढीले होने के चांसेस बाकी रह जाते हैं जब बेंडिंग अचीव होगी तो। और दूसरे से फाइबर टेप भी लग गया। इसके बाद एक और चीज़ आ गई, उसका नाम है बायो एसीएल। बायो एसीएल में हम लोग क्या करते हैं, बायो एसीएल में दो चीज़ें की जाती है, पहला जब मैं फ्लिप कटर से छेद बना रहा हूँ, टनल बना रहा हूँ फीमर और टीबिया के, तो जो बोन निकल रही है ना उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं उसका बोन है ना इसमें इकट्ठा कर लेता हूँ ग्राफ्टनेट डिवाइस में। तो जो भी बोन मैंने काट के निकाली वो सब इकट्ठी कर ली, उस बोन के जो डिब्री है उसको मिलाया जाता है पीआरपी से या एसीपी से, ऑटोरेसेंडेंट प्लाज्मा आपके ब्लड से, और उसमें आर्टिफिशियल बोन और डाली जाती है थोड़ी सी, उससे क्या है ना हमारा बोन ग्राफ्ट बन जाता है। ये जो बोन ग्राफ्ट बन गया है इसको हम टनल में डाल देते हैं, and the ACL graft link technique is utilized for the delivery of the graft link construct. और फिर उसके बाद हम ACL डालते हैं, तो इससे क्या हुआ बेटा कि हमने ना बोन ग्राफ्टिंग कर दिया। अब आप सब लोग जानते हो बोन ग्राफ्टिंग करी जाती है जब हड्डी चिपकती नहीं है, हड्डी को ज़्यादा जोड़ना होता तो बोन ग्राफ्ट किया जाता है। उसी तरह से अल्टीमेटली रिजल्ट तो तभी अच्छा आएगा ना जब मेरा टेंडन मेरा बोन से चिपक जाएगा। सो अगर मैं यहाँ बोन ग्राफ्टिंग कर दूँ तो रिजल्ट बहुत बेटर हो जाएंगे मेरे। स्क्रू सर्जरी में बोन ग्राफ्टिंग हो ही नहीं सकती है, बोन ग्राफ्ट तो चूरा रहता है ना, स्क्रू में कोई चूरा डालूंगा तो फिर ना पकड़ेगा, स्लिप हो जाएगा। बोन ग्राफ्टिंग तभी पॉसिबल है जब बटन लगे हों दोनों तरफ। तो बोन ग्राफ्टिंग से क्या होता है, मेरे बोन टेंडन जो इंटीग्रेशन है ना बहुत अच्छा होता है, सॉलिड, फेल होने के चांसेस ही नहीं, बिल्कुल ही चिपक जाता है। सो बोन ग्राफ्टिंग ऑप्शन सिर्फ इंटरनल ब्रेस सर्जरी में है, स्क्रू सर्जरी में है ही नहीं। दूसरा जो पुराना ACL जो बचा हुआ है उसको भी रिपेयर कर दिया जाता है, उसको निकाला नहीं जाता। सो ये बायो ACL का मतलब है नी प्रिजर्वेशन, कि नी में से अगर बोन काटी है तो बोन वापस डाल दो, आपका ACL है पुराना वाला निकालू मत, उसी को रिपेयर कर दो। पूरा रिपेयरेबल तो 100% रिपेयर करो, फिर रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा रिपेयरेबल नहीं है, 30-40% ही रिपेयरेबल है, तो उसको स्लीव की तरह हम नए ACL के ऊपर छोड़ देते हैं रिपेयर के, तो उसमें ब्लड वेसल्स नर्व बैंडिंग पहले दिन से ही मौजूद रहते हैं, तो उसके फेलियर के चांसेस सिग्निफिकेंटली और कम हो जाते हैं। सो ये सबसे एडवांस है आज की तारीख में। स्टेप वन, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप टू, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। स्टेप थ्री, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी